हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुपर हंड्रेड के ऑफिशियल चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कुछ काम के चलते। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आज वीडियो में बहुत कुछ लेकर आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सुपर हंड्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है, लिस्ट भी आ चुकी है। जिन कैंडिडेट्स का नाम आया हुआ है उनके लिए अब स्कूल से कॉल आया होगा, जिसके तो वो तो नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया होगा। और मेरे हिसाब से शायद अभी तक तो आप शायद हॉस्टल भी पहुंच गए होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं है तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आपके लिए कॉल आता है स्कूल से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जोड़ा जाता है, फिर उस पर आपको सब जानकारी दी जाती है कि आपको कब आना है एडमिशन के लिए, कहाँ आना है। जिस प्रकार आपका, यदि आपका सिलेक्शन भोपाल में हुआ है तो आपको लिए वहाँ से कॉल आया होगा, जहाँ पर अब वहाँ पर आपके लिए इस डेट को जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके लिए एडमिशन के लिए कॉल आएगा, एडमिशन करवाना पड़ेगा आपके लिए वहाँ पर। एडमिशन करने जाएंगे आप तो वहीं पर आप पूरी हॉस्टल को देखाना अच्छे से, और स्कूल में भी घूमाना। एडमिशन हो जाएगा आपके बाद, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद आपके लिए वहाँ पर रहने के लिए कॉल आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए वहाँ पर रहने की सुविधा क्या रहेगी, मैस के खाने की सुविधा, खाने कहाँ से खाना आप खाएंगे, और कोचिंग की क्या सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो रहने की सुविधा। तो रहने के लिए आपके लिए क्या दिया जाएगा, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग रहती है। बॉयज़ के लिए बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल रहती है। तो बॉयज़ हॉस्टल में क्या रहेगा, तो बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम दिया जाएगा आपके लिए, आपके नाम के अकॉर्डिंग वहाँ पर नंबर वाइज वो रूम बटे रहते हैं। तो जो भी आपका नाम आएगा, जैसे मेरा नाम आर से आता था तो आर से मेरा रिले वो रूम बुक रहेगा, और मेरे जो दोस्त रहेगा उसका भी नाम यदि नाम आर से आता है तो वो उससे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रूम के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए रूम दिया जाएगा जिसमें आप और एक और लड़का और रहेगा। तो आपके लिए दो बेड दिए जाएंगे और दो क्या रहेंगे, अलमारी रहेंगी, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। आप अलग से बाहर से टेबल भी ला सकते हैं, स्कूली की टेबल वहीं पर रहती हैं तो वो भी आप अपने रूम पर ला सकते हैं। वो रूम का अलग करीबन 10 बाई 10 का रहता है, 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फीट का रहता है, जिसमें एक अलमारी दी जाएगी और एक पलंग रखने की सुविधा भी दी जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो अब पहले हो गई रहने की व्यवस्था, अब क्या रहेगी खाने की व्यवस्था। तो खाना खाने के लिए आपका क्या रहेगा, तो आपके लिए सबसे मैस प्रोवाइड की जाएगी, क्या मैस रहेगी, ठीक है। खाने के लिए क्या रहेगी, मैस रहेगी वहाँ पर आपको लिए। सुबह करीब 8 बजे के करीब नाश्ता दिया जाता है, और नाश्ता भी बदल बदल कर दिया जाता है, रोज़ एक ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या खाने को भी रहता है। तो फिर 12 बजे के करीब आपको खाना दिया जाता है, और सब्जी भी उसमें बदल बदल कर आती है। 12 के बाद आपको 4 बजे फिर चाय का समय होता है, और फिर रात में आपको फिर खाना दिया जाएगा, जिसमें आपको जो थाली रहेगी वो अपने घर से ही लेकर आना है। तो आप अपने घर से ही एक थाली लेकर जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं इसके बाद अपन रहने बात करते हैं पढ़ाई की सुविधा में। तो पढ़ाई की सुविधा में आपको क्या होगी, कोचिंग दी जाएगी, कोचिंग बहुत अच्छी रहती है। कोचिंग या तो आपको लिए LM दी जाएगी, या वहीं की कोई और अच्छी कोचिंग भी दी जाती है। वैसे तो अभी LM दी जा रही है, तो आपके लिए LM मिल जाएगी। जे नीट वालों के लिए तो LM ही मिल जाएगी, और JEE वालों के लिए दूसरी रहेगी। फिर कोचिंग के बाद आपको बुक्स रहेंगी, तो बुक्स भी आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी बुक मत लेकर जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पर आपको सब चीज़ मिल जाएगी। पढ़ाई के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे वहीं से, सब वहीं पर रहेगा। तो आप यहाँ से कुछ मत लेकर जाना, पढ़ाई के लिए अलग से लेना भी है तो NCERT बुक लेकर जाना तो सही रहेगा, बाकी कुछ मत लेकर जाना। फिर कोचिंग की सुविधा हो गई, पढ़ने की सुविधा हो गई। अब ये बात आती है कि अब हम क्या यहाँ से लेकर जाएंगे अपने घर से, क्या क्या ले जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सामान के आप मोबाइल ले जा सकते हैं, तो आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप कीपैड ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कि सिर्फ घर वालों से कॉलिंग करें। और ले जाना हो तो आप एंड्रॉयड फ़ोन भी ले जा सकते हैं, परमिशन रहती है। लेकिन क्या रहेगा कि आप क्या करें, यदि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो आप कीपैड ले जाएं, नहीं तो आप एंड्रॉयड भी ले जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। आप जैसे कि वो क्या कहते हैं, कैटल ले गए, इलेक्ट्रॉनिक और भी इंडक्शन, ये सब चीज़ें नहीं रहती अलाव वहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें मना रहती हैं, तो आप इनको ना ले जाएं। लेकिन कहने दीजिए आप मत ले जाइए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है। यदि कभी जैसे पानी की रॉड हो गई, पानी गर्म करें, क्योंकि अब ठंड आएगी तो आपके लिए पानी गर्म करने के लिए आप क्या करें, तो आप पानी की रॉड ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी सर मना कर देंगे क्योंकि ये सामान वहाँ पर अलाव नहीं रहता है, तो आप इसको नहीं ले जा सकते हैं।
और बाकी तो सब। और कोचिंग जाने के लिए आपके लिए क्या रहेगा, अलग से वैन की सुविधा भी वहाँ पर दी जाती है, तो आप वैन से कोचिंग भी जा सकते हैं। और एक और बात, जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आप मीडियम कौन सा ले रहे हैं, तो मीडियम में भी बहुत वो अलग अलग रहता है, तो मीडियम को चेंज करने की भी सुविधा रहेगी। आप मीडियम यदि हिंदी से तो इंग्लिश मीडियम में जाइए, इंग्लिश से, तो क्योंकि आप जिस मीडियम में करेंगे ट्वेल्थ का एग्जाम आपको उसी मीडियम में देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, कोचिंग में पूरा पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी वहाँ पर प्रयोग नहीं होते, मतलब कि समझा हिंदी में दिया जाता है लेकिन जो लिखवाया जाएगा वो इंग्लिश ही में रहे। तो आप सोच लीजिए आपको किस मीडियम का करना है, और बस इतना ही। और बाकी वीडियो में आपको लिए बताता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।